हम सब जानते हैं कि रूस और यूक्रेन का आपस में बहुत समय से विवाद चल रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि आपसी विवाद इतना भयंकर रूप भी ले सकता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि आखिर इस युद्ध की वजह क्या रही। तो आपको बता दें कि यूक्रेन नाटो का पार्टनर देश है, इसका मतलब भविष्य में वो नाटो का सदस्य बन सकता है। वहीं रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन रूस का पड़ोसी देश होकर अमेरिका और पश्चिमी देशों के सैन्य गठबंधन यानी नाटो में शामिल हो, जो कि रूस का दुश्मन माना जाता है। और इसी विवाद ने अब नए युद्ध को जन्म दिया है। अब यूक्रेन में रूसी सैनिकों के टैंक उस जगह भी पहुंच गए हैं जहां पैर रखने की हिम्मत यूक्रेन के लोग भी नहीं करते। चेर्नोबिल, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक जगह माना जाता है, वहां रूस के सैनिकों को मिसाइल या लड़ाकू विमान से हमला करने की भी जरूरत नहीं है। उनकी बंदूक से निकली एक गोली यूक्रेन और पूरे यूरोप को परमाणु हमले की आग में झोंकने के लिए काफी है। रूस के टैंक किसी मामूली इलाके में नहीं घुस रहे, ये टैंक यूक्रेन के चेर्नोबिल में घुस गए, जिसे पूरी दुनिया का विनाश लोक माना जाता है। चेर्नोबिल में टैंक तो क्या किसी का चलना भी मना है, पिछले 36 साल से वहां किसी के जाने पर भी सख्त मनाही है। वहां सांस लेना भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि चेर्नोबिल के इस इलाके में वही जहर फैला हुआ है जो परमाणु बम से फैलता है। यहां की हवा में रेडियोएक्टिव रेडिएशन है और यह आशंका जताई जाती है कि रेडिएशन अगले 20 साल तक जारी रह सकती है। इसी कारण इस जगह पर कोई आता जाता नहीं है। अब युद्ध को लेकर दो विकल्प बनते दिखाई दे रहे हैं। रूस और यूक्रेन आपस में समझौता कर ले, भले ही जेलेंस्की राष्ट्रपति बने रहें पर नाटो और अमेरिका से दूर रहें, यानी नाटो में शामिल होने का फैसला यूक्रेन को बदलना होगा, या फिर अपने फैसले पर बने रहे और यूक्रेन की निर्दोष जनता को रूसी सेना के बारूद के हवाले करते रहे और इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। अमेरिका और नाटो ने पहले ही यूक्रेन को रूस के खिलाफ खूब भड़काया, समर्थन देने की बातें कही, लेकिन अब जब असली लड़ाई शुरू हुई तो रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया और यूक्रेन को अकेला छोड़कर सब ने चुप्पी साध ली। हालांकि बातचीत और बयानबाजी अभी भी जारी है, अभी भी निंदा हो रही है, कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन यूक्रेन अकेला रूस से लड़ रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, खबरें अभी तक।